नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रदीप मिश्रा जी पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम पूज्य गुरु जी से जानेंगे कि कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसके साथ ही हम गुरु जी से जानेंगे कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है और स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरु जी से कि क्या कहते हैं वह इसके बारे में। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पैर दबा रही थी, तो पैर दबाते दबाते माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे मन में तीन प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से तीन प्रश्न हैं? तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता पार्वती कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं, जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक मैं कहानी बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप कृपया करके कहानी प्रारंभ कीजिए। प्रिय बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के दो बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी, वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा कामकाज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, लक्ष्मी सेठ के बड़े बेटे की बहू का एक बेटा था और छोटी बहू का एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी, वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी, वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी साधी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठ करके अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है, तो जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूं, मेरे मंदिर से लौटने तक तो खाना बनाकर तैयार रखना। दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बेचारी सुकन्या करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। तब घर की सफाई करने के बाद सुकन्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूं, और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। सुकन्या यह सब सोच ही रही थी, जितने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू मां आज जल्दी ही लौट आई हैं। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। दोस्तों,
वह साधु महाराज सुकन्या से कहता है कि बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दें, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सुकन्या बहुत सुशील और संस्कारी थी, उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन कराना तो दूर, परंतु यदि मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा, और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया कि सांस से डरना कैसा, यदि मेरी सांस आ जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर ऐसा सोचकर कि सुकन्या साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सांस आ गई, और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख करके उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा चढ़ा, और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी कि यहां कोई भंडारा नहीं चल रहा है, उठ भीख मांगे, बाहर निकल। सुकन्या ने अपनी सांस को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने ये क्या किया, तूने महात्मा को इतना सारा अन्न खाने को दिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सुकन्या डरते हुए बोली, मां जी, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है थी, अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है और अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही, अंत में उसको धकेल कर सास ने सुकन्या को भी धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पिटती रह गई, परंतु उसकी सांस पत्थर जैसी बन गई, उसका दिल नहीं पिघला। अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके में लौट जाए। दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर कि अपने मायके के लिए निकल गई, और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था, सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी, तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक झोपड़ बना था, सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी, और जब तक वर्षा हो रही है वह झोपड़ के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब सुकन्या उस पेड़ के झोपड़ में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है, और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं, इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना, और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्ति होगी। दर्शकों, इस प्रकार वह संत महात्मा पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया, और फिर सुकन्या मायके जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन की बात है, सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई, और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बांगी तरफ सोना चाहिए, ऐसा करने से कुछ समय के बाद मैं बाई करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से न का बायां स्वर चालू हो जाता है, और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए, ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दर्शकों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम चार दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है, पांचवीं रात्रि में
मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। छठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। साथ भी रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। आठवीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। नवरात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। दसवीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र होता है। ग्यारहवीं रात्रि में मिलन से सुंदर वो अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस सुकन्या ने दसवीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उसी झोपड़ का था जिस कोटर में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़कर के उसी झोपड़ के पास आ जाए। दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर सुकन्या उस झोपड़ में आकर छुप जाती है जो झोपड़ एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास में दो राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस झोपड़ में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर कि उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड़ के नीचे आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। दर्शकों, ऐसा कहकर कि वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाख पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या झोपड़ में छुपी हुई थी। झोपड़ में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उठता देखकर कि वह एकदम से घबरा गई। दर्शकों, जब सुकन्या ने झोपड़ से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर दो राक्षसी बैठी थी। अंततः सुकन्या ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर के उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उन दोनों राक्षसी के जाने के बाद में सुकन्या झोपड़ से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभित में पड़ गई कि यह रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी साड़ी की आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पूना आकर के उसी झोपड़ में छिप गई। दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं, इधर तो सुकन्या का उस झोपड़ में वापस जाना हुआ, उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और वह आपस में कहने लगी, आज तो भर पेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहां से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह पेड़ उड़ करके उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वह पेड़ उड़ करके गया था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सुकन्या तब तक उसी झोपड़ में छुपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षसी उस पेड से चली नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों उस पेड से चली गई, वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर के उस झोपड़ से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी, फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी झोपड़ की तरफ आ जाता है और सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ऐसा कहकर कि वह सारा सोना अपनी सास को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। भगवान शिव कहते हैं, सोना लेने के बाद में सुकन्या की सांस एकदम से क्रोधित होकर के बोली, तू बहुत कम सोना लेकर के आई, तुझे वहां पर जितना भी सोना था सारा सोना लेकर आना चाहिए था। फिर अपनी सांस की बात सुनकर के वह सुकन्या कहने लगी, माँ जी, हमारी तीन चार पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है,
तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या? जितना हो उतना ही कम है। अब देख मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ के झोपड़ में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर अब सुकन्या की सास मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर के लाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण अड्डे पर न चल करके मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसों ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ ओर चला। भगवान शिव कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार राक्षसियों की बात सुनकर के झोपड़ में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री की इतनी आवाज दी तो राक्षसी उन्हें समझ लिया कि इस पेड़ की झोपड़ में कोई जरूर छिपा बैठा है। उन्होंने एकदम से जैसे ही झोपड़ में प्रवेश किया और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षसी उन्हें उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठा कर के पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास जाता है और उसे कहते हैं, बेटी मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहू बेटी की तरह होती है, उनको प्यार देना चाहिए, मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया, उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है। सुकन्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अब था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया और सुकन्या को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने मां बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो संत के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में झोपड़ घुस गई और राक्षसी द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह चरित्र रूपी श्रृंगार यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता। स्त्री सेठ की छोटी बहू सुकन्या की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है, इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें।